तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ साजिदा। तो फ्रेंड्स, आज से कुछ टाइम पहले मैंने वीडियो अपलोड किए थे जो कि मैंने आपको बताया था अलग अलग मेथड बच्चों को मालिश करने वाला तेल बनाने का। तो आप पूरी सर्दी में इस तेल के उपयोग से बच्चों की मालिश कर सकते हो। बहुत ही हेल्दी तेल है दोस्तों, बहुत ही अच्छा होगा आपके बच्चों के लिए। तो ऑलरेडी तो मैंने दो मेथड शेयर कर दिया है, ये तीसरा है। इसका प्रोसेस थोड़ा सी अलग है दोस्तों, तो मैंने सोचा क्यों ना ये भी मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूँ। तो इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड करी थी दोस्तों, उसमें आप लोग का प्यार और सम्मान देख के मैंने ही ये वीडियो अपलोड किया है। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को भी उतना ही प्यार देंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए फटाफट से शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है मस्टर्ड ऑयल। दोस्तों, मस्टर्ड ऑयल हमारे बच्चों के लिए बेस्ट होता है, उससे अच्छा तेल और कोई नहीं होता है दोस्तों सर्दियों के मौसम में। तो मस्टर्ड ऑयल ही लेना है, तो 1 कप मैंने लिया है। 1 कप से थोड़ा सी कम है दोस्तों, मैंने आपको बताने के लिए ये ऑयल लिया है। तो यहाँ पे मैंने मस्टर्ड ऑयल को ले लिया है, ये कच्चा है, इसको बिल्कुल भी मैंने गर्म वगैरह कुछ भी नहीं किया है। ये मतलब कच्चा तेल है दोस्तों, मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल। तो इसमें हमें क्या करना है, एक छोटा सा कंटेनर लेना है। आप कोई भी इस तरह से क्लीन कंटेनर ले सकते हो दोस्तों। तो इस ऑयल को इसमें डाल देती हूँ। तो दोस्तों, इस ऑयल को इसमें डालने के बाद इसको इस तरह से कैप लगा देना है, इसको साइड में रख देती हूँ। और हमें दूसरा कुछ क्या चाहिए वो मैं आपको बता दूँगी। तो दोस्तों, हमें चाहिए गार्लिक। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे मैंने लिया है 4 गार्लिक। ये कच्चा गार्लिक है जिसको मैंने छील लिया है, इसको भी मैंने कुछ पकाया वगैरह नहीं है। तो इसके अंदर हम इसको डाल देंगे दोस्तों। मैंने इससे पहले जो वीडियो अपलोड किया था उसमें क्या, मैंने जिस तरह से हम दाल वगैरह में तड़का लगाते हैं इंस्टेंट ऑयल बनाना बताया था, जिससे आपको फटाफट से बन जाता और आप हल्का गुनगुना रहे तो आप बच्चों को मालिश कर सकते हो। तो इसे आपको क्या करना है, इसका प्रोसेस थोड़ा सी अलग है। तो इसको आपको धूप में रखना है दोस्तों। धूप में ये हल्का हल्का गलेगा दोस्तों, जो गार्लिक है हल्का हल्का उसका फ्लेवर जो भी टेस्ट है वो ऑयल में आता जाएगा। जितनी भी गार्लिक के गुण है सारा तेल में आ जाएगा। जिस तरह आप अचार रखती हैं धूप में सूखने के लिए, मिच्योर होता है दोस्तों, सेम उसी तरह ये काम करेगा। और बच्चों को हल्का हल्का फिर मालिश कर लीजिए आप। हल्का बच्चे अगर बच्चों को नहलाने से पहले आप मालिश करेंगे तो हल्की सी धूप में करिए दोस्तों, बहुत मज़ा आता है बच्चों लोगों को खेलने के लिए। तो दोस्तों, इससे आपको सर्दी में, पूरी सर्दी में बच्चों को सर्दी जुकाम वगैरह नहीं होगा। कोई भी मार्केट वगैरह का तेल मत इस्तेमाल किए करिए, मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी। इस तरह से गार्लिक वाला तेल, इसे गार्लिक वाला ऑयल कहा जाता है दोस्तों, पुराने ज़माने का नुस्खा है। कोई भी आपके बच्चों को साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा और आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलेगा आपके बच्चों में देखने के लिए। तो मेक श्योर आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो यस, तो लाइक ज़रूर कीजिए।